सबको जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एपिसोड 24 उपदेशक तथा काव्यात्मक ग्रंथ, और ऐसे ग्रंथ 7 हैं और इन्हें प्रज्ञा साहित्य भी कहा जाता है, अर्थात विजडम लिटरेचर कहा जाता है। और वे 7 ग्रंथ हैं, अय्यूब का ग्रंथ, स्तोत्र ग्रंथ, सूक्ति ग्रंथ, उपदेशक ग्रंथ, सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत, प्रज्ञा ग्रंथ और प्रवक्ता ग्रंथ। और अब हम अय्यूब के ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। अय्यूब के ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा अय्यूब के ग्रंथ का लेखक, तीसरा अय्यूब के ग्रंथ का समय और उसकी रचना, चौथा अय्यूब के ग्रंथ में क्रिस्त, पांचवा अय्यूब के ग्रंथ के मुख्य आयतें और अध्याय, छठवा अय्यूब के ग्रंथ का सर्वेक्षण, सातवा अय्यूब के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो आइए हम पहले बिंदु पर आते हैं, प्रस्तावना को देखते हैं। प्रज्ञा ग्रंथों में अय्यूब के ग्रंथ का विशेष महत्व है। यह विश्व साहित्य की एक बहुमूल्य निधि माना जाता है। इसका प्रधान पात्र योब है, जो धार्मिक, संपन्न और समाज का अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति था। ईश्वर ने शैतान को योब की परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। शैतान ने योब की सारी धन संपत्ति छीन ली और उसके सब बच्चों का भी विनाश किया, लेकिन घोर विपत्ति में भी उसकी ईश निष्ठा दृढ़ रही। उसने कहा, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने लिया, धन्य है प्रभु का नाम। इसके अलावा उसे घृणित रोग भी हो गया और उसका सारा शरीर घावों से भर गया। उसकी पत्नी का धैर्य टूट गया और उसने अय्यूब से कहा कि वह ईश्वर को क्यों नहीं कोसता। लेकिन अय्यूब ने कहा कि जब हम ईश्वर का दिया हुआ सुख स्वीकार करते हैं तो दुख क्यों ना स्वीकार करें। उसके 3 घनिष्ठ मित्र ने और वे उसकी दशा देखकर स्तब्ध रह गए। उस समय का लोक विश्वास था कि पुण्य से सुख प्राप्त होता है और पाप से दुख। अतः उन मित्रों ने सोचा कि योब घोर पापी है और इसलिए उसके जीवन में घोर कष्ट आया है। पहले तो उन्होंने अय्यूब से यह बात घुमा फिरा कर कही, लेकिन बाद में उसे सीधे सीधे पापी घोषित किया और सलाह दी कि तुम अपने पापों पर पश्चाताप करो, जिसे ईश्वर तुम्हें फिर सुख शांति प्रदान करे। अय्यूब ने मित्रों का आरोप अस्वीकार किया और अपने आप को निर्दोष बताया। लेकिन अय्यूब के मन में यह सवाल उत्पन्न हुआ कि आखिर ईश्वर उसे क्यों दंड दे रहा है। फिर भी योब विश्वास में दृढ़ बना रहा। अध्याय 19 वाक्य संज्ञा 25 में अय्यूब कहता है, मैं जानता हूं कि मेरा मुक्तिदाता जीवित है। अय्यूब के 38वें अध्याय में प्रभु स्वयं उसे बातें करता है। ईश्वर यह नहीं कहता कि उसने केवल परीक्षा लेने के लिए अय्यूब को विपत्ति में डाला है। वह केवल यह संकेत करता है कि मनुष्य को ईश्वरीय कार्यों के औचित्य अनौचित्य के विश्लेषण करने का कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य का धर्म है कि वह ईश्वर के सामने सदा विनीत रहे और अपने पर जो कुछ बीते उसे ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करे। मनुष्य संसार की साधारण बातें समझने में असमर्थ है, तो वह ईश्वर के कार्यों का लेखा जोखा कैसे कर सकता है। अतः ईश्वर का कोई कार्य उचित है या अनुचित, इसका निर्णय मनुष्य की बुद्धि से परे है।
ईश्वर की वाणी सुनकर अय्यूब ईश्वर की सर्वशक्तिमता तथा अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार करता है और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता है। अक्सर यह सवाल उठाया जाता है, धर्मियों को इस संसार में क्यों कष्ट भोगना पड़ता है? उस युग की धारणा थी कि दुख पापों के कारण प्राप्त होता है और सुख पुण्य के कारण, लेकिन लोग यह भी अनुभव करते थे कि दुनिया में कभी कभी पुण्य आत्मा विपत्ति भोगता है और पापी सुख समृद्धि। इस ग्रंथ में हमें उस सवाल का जवाब मिलता है। उसका एक जवाब यह है कि मनुष्य के पाप पुण्य का निर्णय इस जीवन में नहीं होता, मृत्यु के बाद होता है। मृत्यु के बाद ईश्वर पापियों को उनके कुकर्मों के लिए दंड देता है और पुण्य आत्माओं को उनके सुकर्मों के लिए पुरस्कार प्रदान करता है। उसका दूसरा जवाब यह है कि ईश्वर धर्मियों को इसलिए कष्ट भोगने देता है जिसे वह उन्हें और अधिक पवित्र कर सके और उन्हें महान आशीर्वाद दे सके। अंत में ईश्वर ने स्वयं योब को अपना दर्शन दिया और उसे दुगुनी आशीष दी। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थात ग्रंथ का लेखक। लेखक अज्ञात है। लेखक एक धर्मपरायण इजरायली प्रतीत होता है जो धार्मिक विधि निषेधों, नबियों की रचनाओं तथा प्रज्ञा ग्रंथों से पूर्णतः परिचित था। वह पड़ोसी राष्ट्रों की परंपराओं से भी अवगत था। वह फिलिस्तिया का निवासी नहीं था। तीसरा बिंदु पर अब हम आते हैं, अय्यूब के ग्रंथ का समय और उसकी रचना। ग्रंथ में वर्णित परिस्थितियों से यह संकेत मिलता है कि यह कुलपतियों के युग की अत्यंत प्राचीन रचना है। ग्रंथ में वर्णित घटनाओं के बाद योब 140 वर्षों तक जीवित रहा। अध्याय 42 वाक्य संख्या 16 में इस बात को हम पढ़ते हैं। इसकी जीवन अवधि संभवतः करीब 200 वर्ष की होगी, जो कुलपतियों के समय की जीवन अवधि से मिलती है। इब्राहिम 175 वर्ष तक जीवित रहा। उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 25 वाक्य संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, साथ ही उसका धन सोना चांदी से नहीं बल्कि पशुधन से मापा जाता है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 3, अध्याय 42 वाक्य संख्या 12। लेकिन विद्वानों का अनुमान है कि इसकी रचना 400 ईसा पूर्व के आसपास हुई होगी। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, अय्यूब के ग्रंथ में क्रिस्त। योब एक रक्षक की ओर संकेत करता है। वो कहता है, मैं यह जानता हूं कि मेरा रक्षक जीवित है और अंत में पृथ्वी पर कड़ा हो जाएगा। जब मैं जागूंगा, मैं कड़ा हो जाऊंगा, तब मैं इसी शरीर में ईश्वर के दर्शन करूंगा। मैं स्वयं उसके दर्शन करूंगा, मेरी ही आंखें उसे देखेंगी। मेरा हृदय उसके दर्शनों के लिए तरसता है। अध्याय 19 वाक्य संख्या 25 से 27 तक में इन बातों को हम पढ़ते हैं। अय्यूब एक मध्यस्थ के अभाव की शिकायत करता है। अध्याय 9 वाक्य संख्या 33, अध्याय 33 वाक्य संख्या 23। ग्रंथ में सवाल उठाया गया है कि धर्मी को क्यों दुख भोगना है। सवाल का सही जवाब हमें क्रिस्त में ही मिलता है, जो हमारे दुखों में पूर्ण रूपेण हमारा साथ देता है। वचन कहता है, हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। इब्रानी 4 वाक्य संख्या 15। क्रिस्त ने निष्कलंक होकर भी भारी दुख भोगा। योब स्वयं क्रिस्त का प्रतीक है, क्योंकि उसने निष्कलंक होते हुए भी कष्ट सहा। अब हम पांचवें बिंदु पर आते हैं, अय्यूब के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है प्रभुत्व, आधिपत्य, अर्थात अंग्रेजी में सोवरेनिटी।
ग्रंथ का बुनियादी सवाल है, यदि ईश्वर प्रेमी एवं सर्वशक्तिमान है तो क्यों धर्मी दुख भोगता है। दुख कष्ट ग्रंथ का मुख्य विषय नहीं है, लेकिन मुख्य बिंदु यह है कि योब अपने दुख कष्ट से क्या सीखता है, अर्थात समस्त सृष्टि पर ईश्वर का प्रभुत्व है। अध्याय 37 वाक्य संख्या 1-13, ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, वह कुछ भी अपनी इच्छा से करे वह हमारी आराधना के योग्य है। दुख संकट के समय योब को ईश्वर की भलाई और शक्ति पर विश्वास करना है। योब जो निर्दोष एवं निष्कपट माना जाता था, उसे भी अपने घमंड और आत्म धार्मिकता सेल्फ राइचियसनेस के लिए पश्चाताप करना है। उसे अपने को विनम्र बनाना है और ईश्वर के प्रभुत्व और महानता को स्वीकार करना है। वह सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान एवं बला है। उसके मार्ग हम कभी कभी समझने में असमर्थ है, फिर भी हमें जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी सदा उस पर विश्वास करना है। अब हम देखते हैं मुख्य आयतें कौन कौन सी है। वाक्य संख्या 15, यदि ईश्वर मुझे मारना चाहता तो भी मैं नहीं डरूंगा, मैं उसके सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करूंगा। और एक दूसरी मुख्य आयत है अध्याय 37 वाक्य संख्या 23 और 24, सर्वशक्तिमान सर्वोपरि और अगम्य है, वह शक्ति और न्याय में महान है और किसी पर अत्याचार नहीं करता, इसलिए सभी मनुष्य उस पर श्रद्धा रखते हैं, किंतु जो लोग अपने को बुद्धिमान समझते ईश्वर उसका ध्यान नहीं रखता। अब हम देखते हैं मुख्य अध्याय कौन सा है। मुख्य अध्याय है योब 42। यह अंतिम अध्याय योब के जीवन के संघर्ष की पराकाष्ठा है। योब को स्वयं से, पत्नी, मित्रों और यहां तक ईश्वर से भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। जब वह ईश्वर के प्रताप और प्रभुत्व को पहचानता है, वह पश्चाताप करता है और वह अपने दुख कष्टों के लिए ईश्वर से कोई जवाब नहीं मांगता, तब ईश्वर योब को दुगुना आशीर्वाद प्रदान करता है। अब हम छठवें बिंदु पर आते हैं, अर्थात अय्यूब के ग्रंथ का सर्वेक्षण, अय्यूब के ग्रंथ का एक निचोड़। योब संभवतः हजारों वर्ष पहले जीवित रहा। योब का ग्रंथ उस महान व्यक्ति के जीवन संघर्ष को प्रस्तुत करता है जो उसके जीवन को परिवर्तित करता है। ईश्वर पर योब का विश्वास, शिकायत और बढ़ते आत्मधार्मिकता में बदल जाता है, लेकिन योब का पश्चाताप दुगुनी आशीष लाता है। अतः योब के दुख और संघर्ष उसके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाते हैं। संघर्ष के पहले योब का जीवन ज्योता उसे भी 72 और महिमानित बना संघर्ष के बाद योब का जीवन। योब का ग्रंथ 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। योब की दुविधा अध्याय 1-2, योब का वाद विवाद अध्याय 3-37 तक और योब की मुक्ति अध्याय 38-42 तक। तो हम पहले भाग पर आते हैं, अर्थात योब की दुविधा अध्याय 1 और 2। जब योब के जीवन में दुख संकट आया तो वह बड़ी दुविधा में पड़ गया, क्योंकि वह निर्दोष और निष्कपट था, ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता था। योब के मन में यह सवाल उठा कि जब मैं निर्दोष जीवन जी रहा हूँ, मेरे जीवन में यह संकट क्यों आया है। लेकिन शैतान ने अभियोग लगाया कि कोई भी शुद्ध मन से ईश्वर की सेवा नहीं करता, बल्कि सांसारिक चीजों के लिए। ईश्वर ने शैतान को अनुमति दी योब की परीक्षा लेने के लिए। परिणाम स्वरूप योब ने अपनी सारी धन संपत्ति और अपने सब बच्चों को खो दिया। योब के 3 मित्र एलीफस, बिल्दद और नामात 7 दिनों तक उसके साथ मौन रहकर दुख मनाते हैं। और अब हम दूसरे भाग को देखते हैं, योब का वाद विवाद अध्याय 3-37 तक। 7 दिनों के बाद उसके 3 मित्र योब का सामना करते हैं
और उसे सीधा बोल देते हैं कि उसके पापों के कारण जीवन में इतनी बड़ी तबाही आई है। जब उसके मित्र योब पर अभियोग लगाते हैं, योब अपनी सफाई देता है। अपनी निष्कलंकता की सफाई देते देते वह आत्मधार्मिकता का दोषी बनता है। वह अपनी सफाई में 5 अध्याय लंबा एकालाप अर्थात मोनोलोग करता है। योब उनके मित्रों से शिकायत करते हैं कि वे उसका न्याय कर रहे हैं। तब 3 व्यक्तियों ने अय्यूब को उत्तर देना बंद कर दिया, क्योंकि वह अपने आप को धार्मिक समझता था। अध्याय 32 वाक्य संज्ञा 1। बाद में योब प्रभु से प्रार्थना करता है कि वही उसका न्याय करे और उसकी शरण बने। मित्रों के साथ वाद विवाद में योब 3 शिकायतें करता है। पहली शिकायत, ईश्वर मुझे दंडित कर रहा है। दूसरी शिकायत, ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। तीसरी शिकायत, ईश्वर विधर्मियों को समृद्धि प्रदान करता है। जब 3 मित्र मौन हो गए, तब एलीहू जो सबसे छोटा था क्रुद्ध हो उठा, क्योंकि अय्यूब ने ईश्वर के सामने अपने को दोष मुक्त प्रमाणित करना चाहा। एलीहू बोला कि योब ईश्वर के सामने अपने को नम्र बनाए, ईश्वर के अधीन हो जाए, क्योंकि ईश्वर संकटों द्वारा अपने लोगों को शुद्ध कर रहा है। और तीसरा, योब की मुक्ति, अध्याय 38 से लेकर 42 तक। एलीहू के भाषण के बाद ईश्वर स्वयं आंधी में से योब से बातें कर वाद विवाद को अंत करता है। ईश्वर अपने प्रथम भाषण द्वारा संसार के सृष्टिकर्ता एवं संरक्षक के रूप में अपने सामर्थ्य प्रज्ञा को प्रकट करता है। जवाब में योब अपनी अज्ञानता एवं नगण्यता को स्वीकार करता है। अध्याय 40 वाक्य संख्या 3 से 5। जब ईश्वर अपने दूसरे भाषण में अपने प्रभुत्व और अधिकार को प्रकट करता है, योब पश्चातापी हृदय से अपनी गलती को स्वीकार करता है। अध्याय 42 वाक्य संख्या 1 से 6। ईश्वर योब के व्यक्तिगत दुख कष्टों के बारे कुछ नहीं बोलता है, फिर भी योब को ईश्वरीय दृष्टिकोण की एक झलक मिल जाती है। वह अपने जीवन पर ईश्वर के प्रभुत्व को अंगीकार करता है। ईश्वर की इच्छा अनुसार योब अपने 3 मित्रों के लिए जिन्होंने उस पर अभियोग लगाया प्रार्थना करता है। तब ईश्वर योब को फिर संपन्न बनाता है और उसकी संपत्ति को दुगुना कर देता है। इस प्रकार शैतान ने जो बुराई की, ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत किया। अब हम अंतिम बिंदु पर आते हैं, अर्थात अय्यूब के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। एक मुख्य शिक्षा यह है, दुख कष्टों में प्रभु की स्तुति करनी है। जब सब कुछ नष्ट हो गया, योब ने कहा, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने लिया, धन्य है प्रभु का नाम। अध्याय 1 वाक्य संख्या 21। तो हमें भी दुख कष्टों में प्रभु की स्तुति प्रशंसा करनी है। और दूसरी मुख्य शिक्षा यह है, प्रभु के हाथों से दुख को भी स्वीकार करना है। योब ने कहा कि जब हम ईश्वर का दिया हुआ सुख स्वीकार करते हैं, तो दुख क्यों ना स्वीकार करें। अध्याय 2 वाक्य संख्या 10। और तीसरी शिक्षा है, विश्वास में दृढ़ रहना है, अंत तक विश्वास में बना रहना है। और योब अंत तक विश्वास में दृढ़ बना रहा, इसलिए प्रभु ने उसे दुगना आशीर्वाद दिया। और चौथी शिक्षा है, मनुष्य को ईश्वरीय कार्यों के औचित्य अनौचित्य के विश्लेषण करने का कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य का धर्म है कि वह ईश्वर के सामने सदा विनीत रहे और अपने पर जो कुछ बीते उसे ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करे। मनुष्य संसार की साधारण बातें समझने में भी असमर्थ है, तो वह ईश्वर के कार्यों का लेखा जोखा कैसे कर सकता है। अतः ईश्वर के कोई कार्य उचित है या अनुचित, इसका निर्णय मनुष्य की बुद्धि से परे है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 4। और 5वीं शिक्षा है,
धर्मियों को इस संसार में क्यों कष्ट भोगना पड़ता है। इस ग्रंथ में हमें उस सवाल का जवाब मिलता। उस युग की धारणा थी कि दुख पापों के कारण आता है और सुख पुण्य के कारण, लेकिन लोग यह अनुभव करते थे कि दुनिया में कभी कभी पुण्यात्मा विपत्ति भोगता है और पापी सुख समृद्धि। उसका एक जवाब यह है कि मनुष्य के पाप पुण्य का निर्णय इस जीवन में नहीं होता, मृत्यु के बाद होता है। मृत्यु के बाद ईश्वर पापियों को उनके कुकर्मों के लिए दंड देता है और पुण्य आत्माओं को उनके सुकर्मों के लिए पुरस्कार प्रदान करता है। और उसका दूसरा जवाब यह है कि ईश्वर धर्मियों को इसलिए कष्ट भोगने देता है जिसे वह उन्हें और अधिक पवित्र कर सके और उन्हें महान आशीर्वाद दे सके। अंत में ईश्वर ने स्वयं योब को अपना दर्शन दिया और उसे दुगुनी आशीष दी। तो प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों ने अय्यूब के ग्रंथ का अध्ययन किया और मेरी आशा है आपको और अधिक ज्ञान मिला होगा। अब आप अय्यूब के ग्रंथ का अध्ययन करें और मेरा विश्वास है इस ग्रंथ को आप और आसानी से समझ सकेंगे।